दोस्तों जय हिंद। आप सब लोग आंसर की का इंतजार कर रहे हैं। आंसर की आजकल में कभी भी आ सकता है, समय हो चुका है पूरा। अभी ज्यादा वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, फिजिकल में लगे रहिए। उम्मीद कम है कि फिजिकल अभी आसानी से हो जाए, लेकिन 15 अप्रैल अगर सर मतलब नोटिस फेक हो, फर्जी हो, जो भी हो, अगर जारी हुआ है तो अपने तैयारी इस प्रकार करिए कि अगर 15 अप्रैल या उससे पहले भी हो तो हो जाए, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए फिजिकल की। अभी बात करेंगे कि ड्यूटी के साथ साथ कितना वक्त मिलता है, या मेरी ड्यूटी कैसी है और किस तरह का इतना हमको वक्त मिलता है, ठीक है, चाहे शिफ्ट कोई सी भी हो, ए बी या सी, ठीक है। ए शिफ्ट का मतलब सुबह 5 से 1 दोपहर, ठीक है। बी शिफ्ट का मतलब दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक, ठीक है। और सी शिफ्ट का मतलब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, ठीक है। बाकी फोर्सेस में, कुछ फोर्सेस में क्या होता है, जैसे 2-2 घंटे के 4-4 घंटे का शिफ्ट होता है। जैसे मान लो कि अगर उनका पूरा सेक्शन होता है एक साथ, सीआईएसएफ में हमेशा सेक्शन नहीं होता। सेक्शन का मतलब 2 हवलदार और 6 जवान, ठीक है, और हाफ सेक्शन का मतलब 1 हवलदार और 3 जवान, ठीक है। तो सीआईएसएफ में क्या, सिंगल सिंगल ड्यूटी ज्यादातर जगह पे ऐसा होता है, या फिर 2-2 होता है अगर राइफल हो तो, ठीक है। तो इस प्रकार ड्यूटी कैसी होती है वो समझिए। ए शिफ्ट में बता दिया, बी शिफ्ट में बता दिया, सी शिफ्ट में। अभी अगर मान लो कि मेरा आज ए शिफ्ट है तो हमको कितना समय मिलेगा वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ए शिफ्ट में सुबह 5 बजे से ड्यूटी दोपहर 1 बजे तक होगा। उसके बाद, उसके पहले आप समझो, सुबह 5 बजे आप उठ जाओगे, मतलब पहले उठ जाओगे लगभग 4:45 बजे के करीब, ठीक है। फ्रेश व्रेश होगे, सब कुछ अपना काम करोगे, यूनिफॉर्म पहनोगे, नाश्ता लोगे या नाश्ता कर लोगे, दोनों में से एक काम, ठीक है। ज्यादातर लोग नाश्ता ले लेते हैं सुबह सुबह, उतना मजा नहीं आता नाश्ता में, और लेट भी हो जाता है ना, लेट जल्दी उठ, और जल्दी उठना पड़ेगा नहीं तो नाश्ता करने के लिए। और क्या, अगर लेकर साथ में चले गए नाश्ता तो और भी बढ़िया, वहाँ ड्यूटी पे 10-15-20 मिनट लगेगा, टाइम पास भी हो जाएगा, है ना। उसके बाद जब ड्यूटी खत्म, मान लो 1 बजे खत्म हो गया, फिर आप 1:30 बजे तक लगभग, या अगर किसी किसी यूनिट में क्या है, दूर है बहुत ज्यादा क्वार्टर या बैरक, तो वहां पे थोड़ा दूर हो, टाइम लग सकता है, नहीं तो 1:30 बजे तक आप 1:45 बजे तक पहुंच जाओगे। उसके बाद खाना वाना खा लिए, रेस्ट किए थोड़ी देर, बाकी मर्जी आप जो करो, ठीक है, पढ़ाई करो, नाचो, खेलो, गाओ, मर्जी चाहे जो करो, कोई टोकेगा नहीं, ठीक है। हाँ, इसके बाद एक होता है फॉल इन का टाइम, ठीक है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर फॉल इन भी होता है क्या, तो फॉल इन मतलब होता है रेजिमेंटल प्रोग्राम, जिसमें पीटी भी हो सकता है, गेम पीरियड भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा, चलता रहता है, हर यूनिट में अलग अलग होता है, ठीक है। कई बार साफ सफाई का भी अभियान चलता रहता है, ठीक है। अब ये ना कोई कहे कि सर साफ सफाई करते हैं कि नहीं, तो सब होता है साफ सफाई आसपास अपने ग्राउंड का, पीटी ग्राउंड का, जो आसपास बैरक है उसके सफाई का, ठीक है। और रेजिमेंटल प्रोग्राम मतलब कुछ भी हो सकता है, उस टाइम पे परेड भी हो सकता है, परेड प्रैक्टिस या पीटी तो नहीं होता शाम को, ठीक है। इसके बाद गेम पीरियड भी होता है, ज्यादातर जगह पे गेम पीरियड होता है शाम को, ठीक है, 40 मिनट का। उसके बाद रोल कॉल होता है 6 बजे या 6:30 बजे, सर्दी और गर्मी के हिसाब से टाइम ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है। फिर आप पूरा दिन जो है आप मतलब पूरी 6 बजे के बाद फिर फ्री हो, ठीक है। फिर दूसरे दिन अगर ए शिफ्ट होता है, ठीक है, तो सेम यही शेड्यूल रहेगा। अभी मान लो कि किसी का अगर बी शिफ्ट है, बी शिफ्ट का मतलब दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक, ठीक है। कहीं कहीं ये शिफ्ट जो है 2 बजे दोपहर से रात 10 बजे तक, 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सी शिफ्ट, और सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक बी शिफ्ट, सॉरी ए शिफ्ट होता है, ठीक है। ये किसी किसी जगह पे होता है, खास जगह पे, जैसे जम्मू कश्मीर, वहाँ पे क्या थोड़ा देर से सुबह होता है इसलिए, ठीक है, और सर्दी भी ज़्यादा है। फिर मेट्रो में भी होता है, मेट्रो में क्या, दिल्ली में मान लो चहल पहल ज़्यादा है ना, तो रात 10 बजे तक ड्यूटी शिफ्ट ना चेंज हो तो भी अच्छा है, इसलिए वो मतलब अपने टाइम के हिसाब से ऐसा एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अभी बी शिफ्ट में अगर ड्यूटी है तो ड्यूटी इस प्रकार होगी कि दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक, तो 9 बजे के बाद तो आप 9:30 बजे तक पहुंच जाओगे, ठीक है, 9:45 बजे तक नाश्ता वास्ता करके 10 बजे तक रेस्ट कर लो सकते हो, ठीक है। थोड़ी देर पढ़ाई करने की इच्छा हो तो पढ़ाई करो, कुछ करने का मन हो करो। उसके बाद सुबह पूरी रात तो आप सोओगे। अभी दूसरे दिन क्या, जब भी बी शिफ्ट रहेगा, जब भी सुबह से पता है आपको बी शिफ्ट है, रात में ड्यूटी चार्ट आ जाता है पहले से ही, दूसरे पहले दिन ही, तब आप क्या करोगे कि सुबह 5 बजे उठ सकते हो, 6 बजे उठ सकते हो, ठीक है। सुबह फॉल इन होता है रेजिमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, ये हर यूनिट में वेरी करता है, होता है नहीं होता है, कई बार कुछ जगहों पे स्ट्रिक्टली होता है, कई बार स्ट्रिक्टली नहीं होता है, ठीक है, जहाँ पे हूँ वहाँ पे चलता है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इतना
अच्छा मतलब चल जाता है, अगर नहीं भी आए या कुछ काम करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, करो मजे से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा यूनिट है, ठीक ठाक है पढ़ने के मामले में, ये बढ़िया है। उसके बाद आप नाश्ता करो 6 बजे 7 बजे उठने के बाद आराम से, फिर पढ़ाई करो, नहा धो के फिर पढ़ाई करो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। 11 बजे तक आपको कोई टोक टक नहीं करना है। 11:30 बजे फिर खाना खाओगे, अब बी शिफ्ट की ड्यूटी के लिए तैयार होने लग जाओगे 12 बजे से, समझ गए। तो मेरे कहने का मतलब टाइम इस तरह से मिल जाता है। फिर भी अगर टाइम के बीच में अगर इस टाइम पार्टिकुलर क्या होता है क्या नहीं होता है आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, ठीक है। आज इतना ही, जय हिंद।